इस वक्त की एक और बड़ी खबर धार से हमारे पास आ रही है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक ही परिवार के 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजस्थान के सागवाड़ा से इंदौर लड़की देखने आया हुआ था परिवार। सरदारपुर थाना क्षेत्र के घाटा बिल्लौद के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। धार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के 13 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरदारपुर थाना क्षेत्र के घाटा बिल्लौद के पास की ये पूरी घटना घटी। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं एक ही परिवार के 13 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कार को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी थी। घायलों को इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं संवाददाता भारत। भारत, आपसे जानना चाहेंगे, एक अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 13 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानना चाहेंगे क्या रहा पूरा घटनाक्रम। हाँ बिल्कुल, सुनिए बता दें पूरा घटनाक्रम। ये जो परिवार है, ये सोमपुर परिवार और राजस्थान का रहने वाला है, जो इंदौर में एक रिश्तेदारी के कारण जो है शादी के लिए रिश्तेदारी में यहाँ पर आया था, और इसी दौरान जब वापस जा रहा था राजस्थान, इसी दौरान बाला घाट के पास में जो है वो ये हादसा हुआ, जहाँ पर रॉन्ग साइड आ रहा है ट्रक ने जो है जोरदार टक्कर मार दी, जिसके अंदर तकरीबन एक ही परिवार के 13 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल अधिक पुष्टि में भी ये सामने आया कि एक युवक जो किशन लक्ष्मी नारायण कांत है, जिसकी उपचार के दौरान तो मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अगर बात की जाए गंभीर रूप से घायलों की, 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या उनकी स्थिति इस वक्त? लोगों से तो बता दें 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं, और वहीं एक युवक जो है उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसका नाम नरेंद्र है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम जो है उपचार के लिए लगातार वहां पर मौजूद है, और संभवतः हर तरह से प्रयास लगातार जारी है बचाने। चलिए, जानकारी देने के लिए भारत आपका धन्यवाद।